हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पे। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ब्यूटीशियन कोर्स। आज की वीडियो में आप देखेंगी मैं हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन जो कि हमने नायका से मंगवाया है। बाकी जितने भी डिटेल है वो आप इस वीडियो में देखिए, कैसे इस्तेमाल करना है, इसका क्या प्राइस है, ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कितना अच्छा है, कौन सी स्किन टाइप के लिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हूँ। बाकी रिजल्ट आप देख सकते हो मेरी गले से और फेस पर बहुत अच्छा, मतलब जो एक आप मेकअप चाहते हो कि हाँ ऐसा मेकअप हो, उस हिसाब से आपको ये फाउंडेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी इसके जो है कमियां और अच्छाइयां सब कुछ बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने नायका से मंगवाया हुआ था, 2-3 दिन पहले आया और मैंने खोल कर देखा नहीं बल्कि इस्तेमाल किया, तब जाके आप लोगों को उसके बाद में ये वीडियो मतलब देख रही हूँ, बना रही हूँ। अगर अच्छा नहीं होता तो जो भी फीडबैक होता वो मैं देती कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो इसको देखने के बाद ही मैं बोल सकती हूँ कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो आप देख सकती हैं इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। इसका एक जो बॉक्स था आगे दिखाया था, जो भी दिखा रही हूँ ये है, इसलिए मैंने यूज़ किया तो कुछ चीज़ें आगे पीछे हो गई। चाई सेड है 210B, जो कि मीडियम स्किन टोन के लिए होता है। और अभी मैं घर पर हूँ लॉकडाउन की वजह से, तो मैं पार्लर में जाके वीडियो बनाई थी पर घर पर आके अभी आवाज़ दे रही हूँ, तो आपको आसपास की आवाज़ मिल सकती है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये आगे हम वीडियो में बताएंगे ही, बाकी मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, आप लोग देख सकती हैं। तो यहाँ पे चाई 210B ये सेड है मीडियम स्किन टोन के लिए, जो कि हमने बताया 2020 में बना है और ये 2023 तक चलेगा। नंबर 2 लिखा हुआ है, यानी कि मीडियम स्किन टोन के लिए है। और बाकी इसके बहुत सारे सेड आते हैं और हर अंडर स्किन टोन के हिसाब से आते हैं। तो इंडियन स्किन टोन का जो है वो होता है 150G, जो होता है वो फेयर स्किन के लिए, मीडियम स्किन टोन के लिए ये है जो अभी आप देख रही हैं। और इससे बकलावा करके आता है, जो इसका बिल्कुल डार्क स्किन टोन के लिए होता है। यहाँ पे ये मुझे 2252 रुपये के मिला है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो है 3310 रुपये। अभी ये डिस्काउंट पर चल रहा है नायका पे, इसलिए मुझे ये 2252 रुपये का मिला है। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकती हैं, आप लोग नायका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके थ्रू जाके हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन डालेंगे तो वहाँ पे आपको सारे सेट्स दिखाई देंगे, फिर आप वहाँ से ले सकती हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कल की वीडियो में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की इसकी बॉटल होती है, इसका पंप होता है, क्योंकि आसानी से इससे निकाल सके, इसलिए इसकी पैकेजिंग काफ़ी मतलब अच्छी है, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से इसका एक प्रीमियम रेंज के प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं, तो ये इसकी जो बॉटल होती हैं वो सभी बहुत अच्छी होती हैं, सभी ब्रांड की, जितने भी अच्छे ब्रांड हैं, चाहे वो मैक हो गया, हुडा ब्यूटी हो गया, फॉरएवर 52 हो गया, जो भी अभी ट्रेंडिंग में है, बॉबी ब्राउन हो गया, वो सबकी पैकेजिंग जो होती है, बॉटल जो होती है, काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे मैं किस तरह इस्तेमाल करना है, पहले आपको अपने फेस को सीटीएम करना है, फिर उसके बाद प्राइमर लगाना है और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपने आपको प्राइमर चुनना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल वाला करना है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑयल बेस प्राइमर इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी, तो यहाँ पर मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल है, लेकिन गर्मियों की वजह से थोड़ा बहुत ऑयली लगती है, तो यहाँ पे मैं मैट जो है प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ, मैट फिनिश लुक देगा ये, इसलिए हमारे जो है ऑयल को भी कंट्रोल करेगा और मैट फिनिश लुक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्राइमर इस्तेमाल कर लिया है, प्राइमर बहुत ज़रूरी है। इसमें हुडा ब्यूटी की जो इसमें लिखा गया है वो ये है कि इसका प्री बेस इस्तेमाल करना, अगर आप उसको इस्तेमाल करती हैं, यानी कि इसका जो प्राइमर है वो इस्तेमाल करती हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है। इस तरीके से हम खोलेंगे, 5 मिनट तक अपने फेस को प्राइमर के लगाने के बाद छोड़ेंगे ताकि वो पोर्स को बंद कर दे, तब ये फाउंडेशन लगाएंगे तो ही इसका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आएगा। और इसको एक पंप या एक पंप से कम लेना है, लेकिन जब हमने इसको इस्तेमाल किया तो ये एक पंप में नहीं हुआ, ठीक है। और मतलब बहुत, अगर बहुत हल्की कवरेज चाहती हैं, बहुत हल्का मीडियम चाहती हैं, तभी ये आपको हाफ पंप लेना है, नहीं तो अगर आप अच्छी इसकी कवरेज चाहती हैं तो कम से कम 2 पंप में, आपके 2 से 3 पंप में आपके पूरे अच्छे से आपको जो है कवरेज मिलती है। ये कैमोफ्लॉजिंग जो होता है, एक तरीके से हमारी स्किन पर एक लेयर क्रिएट कर देता है और नेचुरल देता है उस तरीके से, और फुल कवरेज के साथ ये प्रोडक्ट है। यानी कि अगर आपकी स्किन पर कोई बहुत ज़्यादा दाग धब्बे, बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स हैं, तो उन सबको जो है ये काफ़ी हद तक हाइड करता है।
लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है या डार्क सर्कल वगैरह है, तो आपको उसको कवर हाइड करने के बाद ही ये फाउंडेशन इस्तेमाल करना है, नहीं थोड़ी देर बाद वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे डाउन हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों साइड फाउंडेशन लगाया, लेकिन जब मैंने इस साइड लगाया तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, जब पहले लगाया तो कम क्वांटिटी में, तो इसलिए मेरी इधर की लेयर आपको मोटी दिखेगी, उधर की लेयर पतली दिखेगी। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक बार, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मैं बिल्कुल सरल भाषा में बता रही हूँ, यहाँ पे मैं इधर के लिए फिर से लूँगी। देखिए, दो तरीके से आप इसके फाउंडेशन को अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि लगा सकती हैं। तो वो एक होता है घने ब्रश, मतलब इसका फाउंडेशन का जो घना ब्रश आता है स्पेशली इसके लिए, उस ब्रश से आप इसको लगा सकती हैं डैप करते हुए और सर्कुलर मोशन में। और दूसरा ये है कि जो है आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसको लगा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर लगा रही हूँ, ये ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी अच्छा है, माइक्रो फाइबर ये ब्यूटी ब्लेंडर है और काफ़ी अच्छा है इसका। ये हमने लिया था 606 के ऊपर ही था कुछ था, तो आप देख सकती हैं। और लोग कहते हैं कि इसको बहुत जल्दी ब्लेंड कर मतलब लगाना है, पर इतना भी जल्दी नहीं, नॉर्मली आप टाइम लेके कर सकती हैं, इतनी भी जल्दी सूखता नहीं है। और इसको लगाने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से लगाने के बाद छोड़ दें, ये स्किन में एब्जॉर्ब भी होता है थोड़ा बहुत। आपकी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो आपको बहुत पसीने पसीने और उसके साथ वाइट वाइट हेड सा दिखेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद वो मिल्ट हो जाता है, जैसे आपके पोर्स को ये कहीं ना कहीं मैंने जो एब्जॉर्ब किया है ये आपके जो पोर्स हैं उसमें अंदर जाता है। तो इसलिए मैंने पहले ही बताया आपको कि इसके टाइप का आपको प्राइमर सेलेक्ट करना है, और ये सभी स्किन टाइप के ऊपर बहुत अच्छे से जाता है। पर अगर ठंडियाँ हैं और आप ड्राई स्किन पर कर रहे हो तो आपको इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा फेशियल ऑयल मिक्स करेंगे तभी, नहीं तो ये बाद में क्रेकी हो जाएगा, जो स्किन जिनकी स्किन ड्राई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब ठंडियों में आप इसको इस्तेमाल करती हैं तो इसमें थोड़ा सा फेशियल ऑयल मिक्स कर लेंगी, हल्का सा बहुत। जब ठंडियों में कर रही हूँ और काफ़ी मोटी लेयर ब्राइड्स को कर रही हैं या उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तभी आप उसको फेशियल ऑयल इस्तेमाल करेंगी, बाकी ये सभी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कोई एक फिक्स स्किन के लिए नहीं है, सभी स्किन टाइप के लिए है, ठीक है। और ये जो शेड है ये मीडियम स्किन टोन है, जो कि मेरी स्किन टोन से बिल्कुल बैठ रहा है। हमेशा आप लोगों ने जाना है कि एक स्किन टोन फेयर लेना पड़ता है फाउंडेशन, तो ये मेरी स्किन टोन पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यानी कि मुझे एक टोन और फेयर चाहिए था, जो कि इसमें 3 शेड ऐसे इस तरीके से आते हैं। यहाँ पे मैं लूज पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ सेट करने के लिए, सेटिंग पाउडर। तो आपको हल्के हल्के चाहे ब्रश की हेल्प से या ब्यूटी ब्लेंडर, यहाँ पे ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है मेरा है ये फाउंडेशन के लिए भी काम आता है और पाउडर के लिए भी। बस ये है कि जब पाउडर इस्तेमाल करिए तो आपका स्पंज ड्राई होना चाहिए, यानी सूखा होना चाहिए, और जब आप फाउंडेशन इस्तेमाल करें तो आपका इस जो स्पंज है वो थोड़ा सा वेट होना चाहिए, ना गीला होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि स्पंज को कैसे, ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे इस्तेमाल करना है, वो हमने उस तरीके से आप देख लीजिएगा। हर एक एक वीडियो में हर चीज़ कवर करना मुश्किल होता है, तो आज मैं सिर्फ हुडा ब्यूटी के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, तो वही बताऊँगी, बाकी क्या स्टेप्स किसके बाद करना है वो नहीं बता पाऊँगी। यहाँ पे मैंने लूज पाउडर से सेट कर लिया है और इसकी जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि एक पेंट की तरह है आपके, जैसे पेंट बहुत सारे ब्रांड में हैं जो पेंट की तरह प्रोडक्ट आते हैं पर वो काफ़ी रूखे बेजान से हो जाते हैं, पर इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको एक मैट फिनिश और स्मूथ लुक मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्लॉसी भी नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा मैट भी नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी या बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होगी, एक मीडियम नेचुरल जो एक लुक आना चाहिए हाई कवरेज के साथ वो मिलता है आपको। तो चलिए, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे।